नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने हंगरी स्पिरिट्स चैनल में। तो सिद्धनाथ 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 ये बहुत ही चर्चा में है जोड़ी, और इस जोड़ी को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। और कल हमने देखा कि ये बात सिद्धनाथ तक पहुंच गई मैसेंजर विकास गुप्ता के द्वारा। ना सिर्फ ये बात पहुंची, साथ में ये बात भी पहुंची कि जो पारस को शहनाज ने आई लव यू कहा था वो क्या था, उसके बारे में जनता क्या सोचती है। तो इसके बाद शहनाज ने भी अपनी क्लैरिफिकेशन रखी, मगर उनके पापा का भी कुछ कहना है, उसकी बात करते हैं। मगर पहले आपको करना है हमारा चैनल सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन भी दबाना है ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। करते हैं कि उनके पापा इसके बारे में क्या कहते हैं। मैं संतोष सिंह सुख, शहनाज का पापा। आपने देखा होगा आज का एपिसोड, उसमें बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि शहनाज ने पारस को आई लव यू बोल दिया, आई मिस यू बोल दिया। और आज जब ये एपिसोड शुरू हुआ था तब क्या नाम है, विकास गुप्ता को शहनाज ने क्लियर किया था कि जब वो बात कर रहे थे कि तुम्हारी वो सिद्धनाज की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है, बाहर लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और शहनाज ने क्लियर किया था कि लव यू तो मेरे साथ 2 महीने से वो रह रहा है, इसलिए मैंने उसको लव यू बोल दिया। लव यू तो कोई भी जाएगा, मैं उसको बोल दूँगी, उस वे में मैंने नहीं बोला। तो आप ये बात प्लीज़ क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो सोचते हैं कि इसने सिद्ध को धोखा दिया, पारस को आई लव यू बोल दिया, आई मिस यू बोल दिया। सुना दोस्तों शहनाज के पापा ने कैसे अपनी बात रखी है और हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम इस बात को क्लियर करें। तो चलते हैं आप लोग और हम लोग मिलके इस बात को करते हैं क्लियर। तो दोस्तों हम बहुत देर से ये बात बोलते आ रहे हैं शहनाज और सिद्ध के लिए कि ये जो ऐसी एक प्यार है, ऐसा एक जोड़ी है जिनको किसी नाम की जरूरत नहीं है। लव या कोई भी चीज, कोई भी नाम, जैसे किस आपने गाना सुना होगा, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। तो नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। और शहनाज ने बहुत क्लियरली बात बोली है कि 2 महीने में जो पारस और हम लोग साथ में रहे हैं तो उसमें ये चीजें होती हैं। अगर मैंने लव यू बोल दिया तो इसमें क्या बड़ी बात होगी, मिस यू बोल दिया तो क्या बड़ी बात होगी। तो वैसे भी हमने देखा है कि जैसे जो लोग आते हैं घर में और जाते हैं, आई लव यू ये चीजें यूज करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे मन में या हमारे दिमाग में ये बातें बैठी होती हैं कि अगर आई लव यू बोला है किसी पर्टिकुलर बंदे को तो वो उसी तरह का प्यार है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार होता है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है और ना ही ऐसा शहनाज को लग रहा है, क्योंकि शहनाज की फीलिंग्स जैसी भी हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत प्योर हैं। अगर वो सिद्धार्थ शुक्ला को पसंद कर रही है तो उनको भी पसंद कर रही है और उनके साथ भी रह रही है और पारस को भी पसंद कर रही है, तो इट इज नॉट बैड एट ऑल मेरे हिसाब से। क्योंकि उसने कल कहा विकास गुप्ता के सामने कि जो एक्चुअली जो विकास गुप्ता प्यार की बात कर रहा था, तो उसने वो बोला कि मैं दोनों को नहीं करती हूँ। मतलब साफ था कि दोस्त है तो प्यार करती हूँ, मगर आप जिस प्यार को लेके जो सोच रहे हो उसको, वो उसने क्लैरिफिकेशन दिया। बट कभी कभी क्या होता ना, मैं एक चीज और समझ सकती हूँ आप लोगों की भी, और मैं भी समझ सकती हूँ कि कभी कभी जो प्यार के ऊपर बहुत लेक्चर हो जाएगा एक्चुअली अगर मैं बोलने चली गई। तो प्यार एक ऐसी चीज है ना कि खुद को भी नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है अंदर और कैसे हो रहा है, और जब पता चलता है तो तब एकदम से सब कुछ सुंदर लगना शुरू हो जाता है। तो क्या पता ये चीज हो, अगर ऐसा भी है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मगर फिलहाल सिचुएशन ये है कि शहनाज जो है वो पारस से ज्यादा सिद्धार्थ शुक्ला को पसंद कर रही है, ये हमने देखा कल के एपिसोड में। और पारस के लिए जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल एक फ्रेंडली फीलिंग्स है और उसमें उसको फन दिखता है। शुक्ला से थोड़ी सी वो डरती है, मगर पारस के साथ उसको पूरा फन मिलता है, पूरा मतलब उसको मजा आता है वो सब शरारते करने में, जैसे फ्रेंड्स आपस में करते हैं। और जैसे इनके पापा ने भी बोला कि शुक्ला सुलझा हुआ इंसान है, तो ये डिफरेंस है पारस में और शुक्ला में। शुक्ला सुलझा हुआ इंसान है, पारस थोड़ा फन लविंग बंदा है और शहनाज भी फन लविंग है।
दोनों बोलते हैं और दोनों उस तरह से चलते हैं। तो ये मेरा कहना था आपसे और ये मेरा बताना था कि उनके पापा इसके बारे में क्या सोचते हैं, और जो उन्होंने बोला मैंने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दी है, और अब आपकी बारी है कि आप लोग इस क्लैरिफिकेशन को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। शहनाज के फैन तो पहले से ही उसके साथ हैं और सिद्ध के फैंस भी उनके साथ हैं, बट जो ऑपोजिट पार्टी है वो तो इस क्लैरिफिकेशन को भी बहुत सारा उधेड़ के समझेगी, तो वो फ्री है उस चीज को समझने के लिए। तो दोस्तों अब आपकी बारी है कमेंट करने की इस वीडियो के ऊपर कि आपको कैसा लगा, क्या सोचते हैं आप, कमेंट कीजिए और बने रहे हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।